Hey guys, welcome to our YouTube channel. मेरी वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। पत्ते मेरे लिए चिकन का ब्रेस्ट पीस और उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसके बाद मैंने लिया शिमला मिर्च, उसको भी मैंने स्लाइस में काटा है। शिमला मिर्च को हमने स्लाइस में काट लिए है। अब हम लेंगे प्याज, उसको भी इसी तरह बारीक टुकड़ों में काटेंगे। हम एक बाउल लेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच दही डालेंगे। अब मैंने दही में डाला है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, कुशक धनिया, काली मिर्च, चिली फ्लेक, ओलिव ऑयल। लेमन जूस अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे और 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जो सब्जियां हमने साइज में काटी थी उनको हल्का सा फ्राई करेंगे। शवारमा सॉस बनाने के लिए लिए हैं मैंने तिल, लहसुन, विनेगर, लेमन जूस, मेयोनीज, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, सॉल्ट, ऑलिव ऑयल। चिकन को ग्रिल करने के लिए हल्का सा ग्रिल पे ऑयल लगाएंगे। अब हम चिकन को ग्रिल करेंगे।
चिकन को हमने अच्छे से ग्रिल कर लिया। अब हम बनाएंगे पोटैटो वेजेस, उसके लिए मैंने हल्का सा ट्रे में ऑयल लगाया। पोटैटो वेजेस को 5 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई करें। टोटीला ब्रेड लेंगे, इस पर डालेंगे बारबेक्यू सॉस। अब डालेंगे शवारमा सॉस और इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। लेटस डालेंगे। पोटैटो वेजीज शिमला मिर्च ग्रिल चिकन अभी फिर से शवारमा सॉस डालेंगे। अच्छे से शवारमे को रोल करेंगे। ग्रिल पर मैंने हल्का सा बटर लगाया। तीन से चार मिनट के लिए शवारमे को ग्रिल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।